हेलो एवरीवन, सो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आर्टिकल नंबर 132 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 132 जो बात करता है वो बात करता है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे जाती है। अगर मैं जनरल जो प्रोसीजर्स लॉ है CPC और CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें जो बता रखी है अपील की, वो बता रखी है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें हाई कोर्ट कैसे अपील जा सकती है, या फिर जो लोअर कोर्ट है उसमें सेशन कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे अपील जाएगी, ये CPC CRPC का बता रखा है। अब बात आती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील जानी है तो सुप्रीम कोर्ट की अपील के लिए क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अपील के प्रोविज़न दे रखे हैं वो संविधान के अंदर ही दे रखे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 132 ये डील करता है सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे जाएगी, किस क्या बेसिस रहता है, कौन सा ग्राउंड रहता है जिस पर अपील जानी चाहिए। तो ये 132 में बात करिए, तो 132 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट अगर ऑर्डर देता है कोई भी सिविल, क्रिमिनल या अदर मैटर में, तो सिविल मैटर हो गया जहाँ पे सिविल वाला, क्रिमिनल मैटर जहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ था और उस ऑफेंस के चक्कर में आप जा रहे हैं, और अदर मैटर में हम इंक्लूड कर सकते हैं रिवेन्यू वाले मैटर्स जो होते हैं, रिवेन्यू कोर्ट्स के जो मैटर आते हैं उनको बिल्कुल इंक्लूड किया जा सकता है। तो ऐसे जो मैटर हैं इनकी हम अपील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने अपना केस डिसाइड कर दिया, हाई कोर्ट में डिसाइड करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये है। इसमें फिर आगे लिखा हुआ है कि अगर कोई हाई कोर्ट जो है एक जजमेंट दे रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है या डिक्री दे रहा है, तो जजमेंट जो देता है वो जनरली एक क्रिमिनल केस में देगा, डिक्री और ऑर्डर जो देते हैं वो सिविल केस में देते हैं, या कोई भी अदर जो ऑर्डर दे रहे हैं तो वो रिवेन्यू कोर्ट में भी है जो ऑर्डर मिलता है या जजमेंट दिया जाता है। तो जो भी जजमेंट ऑर्डर जो ये सारा दिया जा रहा है हाईकोर्ट के द्वारा, इसको हम अपील कर सकते हैं। वो सिविल का नेचर हो सकता है उसका, क्रिमिनल नेचर हो सकता है, या अदर कोई और नेचर भी हो सकता है, जो कि एक जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया रिवेन्यू नेचर। उसके लिए क्या है कि अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है अंडर आर्टिकल 134A 134A जो संविधान का अनुच्छेद है, जो कि 1978 में इसको ऐड किया गया, 1978 में इसको ऐड किया गया था, तो अगर इसमें सर्टिफाई कर देता हाई कोर्ट कि हाँ बिल्कुल इस पॉइंट पे तो सब अपील होनी चाहिए, तो ही अपील होगी। अगर हाई कोर्ट अप्लाई नहीं करता है, हाई कोर्ट जो सर्टिफिकेट है वो नहीं देता है उस पॉइंट के लिए, उस केस के लिए, तो उस केस की अपील नहीं होगी। जो हाई कोर्ट ने एक बार डिसीजन दे दिया वो फाइनल है। मेरा कहना है अगर हाई कोर्ट में आपने केस चलाया, हाई कोर्ट ने आज डिसाइड कर दिया, अब आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है, तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उस हाई कोर्ट से जिसने आपका केस डिसाइड किया है। मान लीजिए राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर वाले ने, अपना जयपुर ज्यूरिडिक्शन वाले ने आपका जो केस है वो डिसाइड किया। अब केस डिसाइड होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, उस जो जजमेंट दिया है या जो ऑर्डर या डिग्री जो दी है, उस जजमेंट ऑर्डर डिग्री के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, तो अपील आप ऐसा नहीं है कि जाके सुप्रीम कोर्ट चलेगा और अपील हो जाएगी। इसके लिए क्या होता है, आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है हाई कोर्ट से ही। तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट जब तक वो सर्टिफाई नहीं कर देगा, तो सर्टिफाई जो है आर्टिकल नंबर 134A के अंदर किया जाता है, तो वो जब तक सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक आप अपील नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ ये है कि अपील करनी है तो सर्टिफाई करना है। दूसरा ये है कि केस इन्वॉल्व्स सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। आप अपील जब करना चाह रहे हैं तो पहला है कि आप तो एक सर्टिफाई कर लें, सर्टिफिकेट ले लें, हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफिकेट दे दे जिस हाई कोर्ट के अगेंस्ट में आप अपील करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। अब ये बात आती है सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। तो सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि कहीं ऐसे लॉ में डिफाइन नहीं है, लेकिन हम केस लॉस पढ़ते हैं या फिर जनरल जो गाइडलाइंस वगैरह उनको देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि अगर कोई भी पार्टीज़ के राइट इफ़ेक्ट हो रहे हैं किसी भी केस से, तो वो एक सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। राइट्स दोनों पार्टीज़ के इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो अगर दोनों पार्टीज़ के जो राइट हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो वो सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में इंक्लूड किया जा सकता है। मतलब कोई ऐसा इशू जो लॉ का इशू होना चाहिए, फैक्ट का इशू नहीं होना चाहिए, लॉ का इशू होना चाहिए, मतलब लॉ पॉइंट पर बात होनी चाहिए कि ये कानून में तो ये बात लिखी है और एक्चुअल में ये हो रहा है, तो क्या ये जो कानून में बात लिखी है क्या ये सही है, क्या ये फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो कैसा हो, सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ, तो वो क्या है, एक डिबेटेबल टॉपिक है, मतलब उस पर दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। तो हाई कोर्ट अगर सर्टिफाई कर देता है और वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर इसमें आगे लिखा हुआ है 132 में कि जब आपको एक बार सर्टिफिकेट मिल जाता है हाई कोर्ट से, तो आप कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो गलत दिया है, गलत डिसाइड किया है। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट में अपन अपील फाइल करेंगे, तो उसमें आप ये चीज़ पूरी तरह से मेंशन कर सकते हैं कि हाई कोर्ट ने इस पॉइंट पे गलती करी है, तो इस पॉइंट को सुधारने के लिए हम अपील कर रहे हैं। तो ऐसी अपील बिल्कुल आप कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई मना नहीं है।
फिर इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि फाइनल ऑर्डर का मतलब क्या होगा। तो फाइनल ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई एक इशू है, बहुत जब केस होता है तो उसमें इश्यूज बनते हैं, इश्यूज का मतलब कि किस किस पॉइंट पे झगड़ा है, उस झगड़े को अपने को सुलझाना है। तो वो जो झगड़े का अगर कोई एक झगड़े का जो पॉइंट है वो सुलझ रहा है, तो उस जो अगर पूरी तरह सुलझा दिया हाईकोर्ट ने, उसको डिस्पोज कर दिया पूरी तरह, तो वो मान लिया जाएगा कि वो एक फ़ाइनल ऑर्डर है हाईकोर्ट का, क्योंकि जो अपील होती है वो हमेशा फ़ाइनल ऑर्डर पे ही होगी हाईकोर्ट के। तो 132 में ये सारी बातें, इसमें जो एक आर्टिकल आया वो है 134A जो कि सर्टिफिकेट की बात करता है, तो वो भी मैं आपको इसी में बता देता हूँ। सर्टिफिकेट जो है वो हाईकोर्ट देता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, तो वो किन किन ग्राउंड पे देगा, तो वो अगर उसको लगता है हाईकोर्ट को खुद को कि हाँ यार इस पॉइंट पे तो देना चाहिए, तो वो खुद के ओन मोशन पे सुओ मोटो खुद ले सकता है कि हाँ मैं आपको ये सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, आप मेरे डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है कि अगर कोई पार्टी ओरली कह दे कि मुझे साहब आप सर्टिफाई कर दीजिए कि मैं है ना इस केस की अपील करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और अगर जो हाई कोर्ट है उसको सही लगता है, वो डिटरमाइन करता है कि हाँ ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और पब्लिक जनरल इंपॉर्टेंस का भी है, जनरल इंपॉर्टेंस का भी है क्योंकि लार्ज सोसाइटी जो है इससे इफेक्ट होने वाली है, तो वो सर्टिफिकेट दे देगा। वो डिटरमाइन है हाई कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट को लगना चाहिए कि एक तो ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और दूसरा ये जनरल इंपॉर्टेंस का है, तो हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देगा। तो ये था आर्टिकल 134A, और जो आर्टिकल 132 जो मैं आपको बता चुका हूँ कि कब अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में वो। थैंक यू।